हेलो फ्रेंड्स क्यूए में आपका स्वागत है और यह है हमारा ब्लॉग क्यूए आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सिलेनियम विद वेब एलिमेंट्स टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स तो आज का जो सब टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे इसमें वो होगा वेब एलिमेंट्स टाइप ऑफ वेब एलिमेंट्स टैग्स टाइप ऑफ टैग सिंट फॉर टैग्स एट्रीब्यूट्स टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स एटरीब्यूटैक्स फॉर एट्रीब्यूट्स इंपॉर्टेंस ऑफ टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स So, हमारे so, so, ईमेल या किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे लॉग इन करना है तो उसके लिए हमें यूजर नेम एंटर करना पड़ेगा पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा और उसके बाद लॉग इन बटन पे क्लिक करना पड़ेगा तो ये जो यूजर नेम और पासवर्ड फील्ड होती है और जो लॉग इन बटन होता है ये वेब एलिमेंट्स होते हैं तो बहुत सारे टाइप के वेब एलिमेंट्स होते हैं किसी भी वेबसाइट में बट हम केवल इंपॉर्टेंट के वेब एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं पैराग्राफ बटन लिंक इनपुट फील्ड टेक्स्ट एरिया ड्रॉप डाउन रेडियो बटन इमेज हेडिंग और हर एक वेब एलिमेंट के टू टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स होती हैं एक होती है मैंडेट्री एट्रीब्यूट और एक होती है ऑप्शनल एट्रीब्यूट जो मैंडेट्री एट्रीब्यूट होती है उसको हम टैक्स भी कहते हैं तो सबसे पहले हम टैक्स के बारे में बात करेंगे तो अगर हमको टैक्स के बारे में बात करना है तो हमने ये पहले ही देख लिया है कि कितने टाइप ऑफ वेब एलिमेंट्स होते हैं तो जो टाइप ऑफ वेब एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं पैराग्राफ बटन लिंक इनपुट फील्ड टेक्स्ट एरिया चेक बॉक्स ड्रॉप डाउन रेडियो बटन इमेज हेडिंग और अगर हमें यह पता करना हो या फिर ऑटोमेशन टूल को या फिर सेलैनियम को यह पता करना है कि कौन सा एलिमेंट ड्रॉप डाउन है कौन सा एलिमेंट बटन है कौन सा एलिमेंट एक लिंक है और कौन सा एलिमेंट एक इनपुट फील्ड है तो उसके लिए हमें टैग्स की हेल्प लेनी होती है तो टैग एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो किसी भी एलिमेंट का टाइप आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि एलिमेंट किस टाइप का एलिमेंट है ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एट्रीब्यूट से टैग से हेल्प मिलती है टैग्स तो जो होते हैं वो एक एलिमेंट को आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं और यही रीज़न है कि टैग्स जो होते हैं उनको हम मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स बोलते हैं सो so, देखते हैं ये किसी भी एलिमेंट का टैग होता क्या है पैराग्राफ तो, uh -oh oh. के लिए पी बटन के लिए बटन लिंक के लिए ए इनपुट फील्ड के लिए इनपुट टेक्स्ट एरिया के लिए टेक्स्ट एरिया चेकबॉक्स के लिए इनपुट ड्रॉप डाउन के लिए सेलेक्ट रेडियो बटन के लिए इनपुट इमेज के लिए आईएमजी, हेडिंग के लिए एच वन एच टू एच थ्री ऑल दिस विल बी द टैग तो so, आपने ये नोटिस किया होगा कि कुछ वेब एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके की सेम टैग नेम है लाइक इनपुट फील्ड चेकबॉक्स रेडियो बटन इन सब के लिए सेम टैग नेम है वो है इनपुट 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 तो हमें कैसे डिफ्रेंश करेंगे उनके बीच में तो so, वो हम बाद में देखेंगे ना हाउ कैन वी गेट द टैग फॉर एन एलिमेंट किसी भी वेबसाइट में जाकर अगर हमें किसी एलिमेंट के टैग के बारे में पता करना है या टैग देखना है तो वो हम कैसे देख सकते हैं तो उसके लिए हमें वेबसाइट में जाके उस एलिमेंट को इंस्पेक्ट करना होता है और उसको इंस्पेक्ट करने के बाद हमें उस एलिमेंट का टैग मिल जाता है सो so, इसको हम अपने एग्जाम्पल में देखते हैं सो so, ये हमारी वेबसाइट है इस वेबसाइट पर हम आए और हमें ये पर्टिकुलर इमेज को आ, का टैग चाहिए तो हम क्या करेंगे इस पर इंस्पेक्ट करेंगे तो हमने देखा कि हमें इमेज निकल के आ रही है और इमेज के लिए जो टैग होता है वो क्या होता है आई होता है ओके okay? ये होता है उसका इमेज का टैग तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट का टैग हुआ इस पर्टिकुलर एलिमेंट का जो टैग हुआ वो होगा इमेज आई एम जी सॉरी आई एम जी ना ये जो एलिमेंट है ये इस एलिमेंट के अंदर आ रहा है ओके okay? क्योंकि हमने देखा इसके अंदर ये एलिमेंट आ रहा है और इस एलिमेंट का जो टैग है वो क्या है ए ए होता है लिंक ए होता है लिंक का टैग तो ये जो हमारा एलिमेंट है ये एक लिंक भी है और ये एक इमेज भी है ओके इमेज और लिंक दोनों है अब मान लो हमें ये इस पर्टिकुलर एलिमेंट को टै का टैग चाहिए तो उस पर हम राइट क्लिक करेंगे इंस्पेक्ट करेंगे और हमें मिलेगा कि ये एक हेडिंग है इसका जो टैग है वो है एच टू तो हमने देखा था एच वन एच टू एच थ्री जो होते हैं वो होते हैं हेडिंग के हेडिंग टैग होता है तो ये एक हेडिंग है ओके अब ये जो हेडिंग है ये एक इस टैग इसके अंदर इस एलिमेंट के अंदर आ रही है जहाँ पर हमने देखा कि टैग जो है वो ए है ए इसके लिए होता है लिंक के लिए तो ये एक हेडिंग भी है और लिंक भी है ओके आ, अब अगर हम पी पेज पर पे जाएँ एक प्रोडक्ट डिटेल्स पेज पर पे जाएँ और इस पर्टिकुलर एलिमेंट को इंस्पेक्ट करें तो ये एक बटन है राइट तो इसके लिए जो टैग होगा वो क्या होगा बटन ये हमने देखा ही था कि एक बटन के लिए जो टैग होता है वो होता है बटन तो ये रहा हमारा एलिमेंट और उसके लिए जो टैग है वो है बटन अब अगर हम इस चेकआउट पेज पे आए और इसको इंस्पेक्ट करें इस पर्टिकुलर फील्ड को और इसको इंस्पेक्ट करें तो हमें दिखेगा कि इसका जो टैग है वो है इनपुट ओके okay? अब सब में एक कॉमन चीज़ देखी हमने कि जो भी हमारे टैग्स है उस टैग्स के पहले एक लेस देन सिंबल आ रहा है राइट right? एक लेस देन सिंबल आ रहा है और पूरा ये एक देन सिंबल आ रहा है यहाँ पर भी बटन के पहले एक लेस देन सिंबल है और यहाँ पर भी इनपुट के पहले एक लेस देन सिंबल है तो जो भी हमारे लेस देन सिंबल होते हैं जो भी हमारा पैराग्राफ पर, है या हम बटन है वो बटन किस तरह से लिखा हुआ था इस तरीके से था अगर हम ध्यान से देखें तो बटन हमारा इस तरीके से लिखा हुआ है बटन के आगे एक लेस देन सिंबल है इस तरीके से जो एंकर लिंक है वो भी ऐसे लिखी हुई है इस तरीके से ओके तो ये जो ग्रेटर देन सिंबल होता है या लेस देन सिंबल होता है इसको हम कहते हैं एच टी एम एल ओके ग्रेटर देन लेस देन सिंबल होता है इसको हम कहते हैं एच टी एम एल टैग टैग्स मतलब ये वाला टैग पी पी एक टैग है और ये जो है लेस देन और ग्रेटर ये है एच टी एम एल टैग तो टैग को हमेशा एच टी एम एल टैग के अंदर लिखते हैं ओके तो P को हमेशा इस तरीके से लिखा जाएगा <coughs> अब दो टाइप के एस्टेमल टैग्स होते हैं एक होता है ओपनिंग टैग स्टार्टिंग टैग बोलते हैं एक होता है क्लोजिंग टैग जिसको हम एंड टैग बोलते हैं तो ये जो हमारा टैग है ये है हमारा ओपनिंग टैग है और ये जो हमारा टैग है वो है एंडिंग टैग है क्लोजिंग टैग है ओपनिंग क्लोजिंग स्टार्ट और एंड टैग ओके बटन के लिए भी सेम यही है और एंकर लिंक के लिए भी सेम ऐसा ही है तो इसको हम वेबसाइट पे वे भी देख सकते हैं अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारी ए यहाँ पर शुरू हो रही है लिंक और यहाँ पर यह हमारा ओपनिंग टैग है फिर ये रहा हमारा ए का एंडिंग टैग है सेम वे यहाँ हमने बटन देखा है तो ये हमारा बटन है ये बटन हमारा यहाँ पर ख़त्म हो रहा है और एक बटन का ये हमारा क्लोजिंग टैग है और ये ओपनिंग टैग है सेम वे इनपुट फील्ड है ये हमारी इनपुट फील्ड है इस इनपुट फील्ड के बाद यहाँ पर भी एक एंडिंग टैग होगा कहीं पे तो इस तरीके से हर एक एलिमेंट का अपना एक ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग होता है सो ओपनिंग टैग को हम इस तरीके से लिखते हैं और क्लोजिंग टैग को हम इस तरीके से लिखते हैं नाउ इट वाज ऑल अबाउट टैग्स अभी हम बात करते हैं एट्रीब्यूट्स की सो so, एट्रीब्यूट्स को जो हम ऑप्शनल एट्रीब्यूट भी कहते हैं तो जो ऑप्शनल एट्रीब्यूट attribute या एट्रीब्यूट्स होती हैं वो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं किसी भी वेब एलिमेंट के बारे में एट्रीब्यूट जो होती हैं वो हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर लिख जाती हैं लिखी जाती हैं तो ओपनिंग टैग मतलब ये हुआ इसके अंदर हम एट्रीब्यूट लिखते हैं कभी भी क्लोजिंग टैग के अंदर एट्रीब्यूट नहीं लिखते हैं अब एक वेब एलिमेंट को बहुत सारी एट्रीब्यूट्स हो सकती हैं एक वेब एलिमेंट की बहुत सी वेब एट्रीब्यूट्स हो सकती हैं एट्रीब्यूट्स दो पार्ट से मिलकर बनी होती हैं एक नेम ऑफ़ द एट्रीब्यूट और एक वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट और ये दोनों जो होती हैं वो होती हैं केस सेंसिटिव होती हैं केस इनसेंसीटिव होती हैं ओके okay? अब जो टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स होती हैं वो होती हैं आई डी नेम क्लास टाइप एंड एचर एफ अब अब हमने देखा कि किसी भी एट्रीब्यूट का एक नाम होता है और वैल्यू होती है तो आई डी जो है वो है नेम ऑफ द एट्रीब्यूट और उसकी कुछ वैल्यू होगी नेम जो है वो भी नेम ऑफ द एट्रीब्यूट है और उसकी कुछ वैल्यू होगी क्लास जो है वो भी एक नेम ऑफ एट्रीब्यूट है और उसकी भी कुछ वैल्यू होगी सो इसी तरीके से टाइप भी एक नेम है एच रफ़ भी एक नेम है और इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी अब अगर हमें एट्रीब्यूट देखना है तो हमें अपनी उसको वेबसाइट पे देखना पड़ेगा तो सेम वे ये हमारी इमेज है इस इमेज की हमें क्या करना है एट्रीब्यूट निकालना है इसको हमने इंस्पेक्ट किया आई पे गए और हमारा ये एच इस एलिमेंट पर गए तो हमने ये देखा कि इस ए टैग के अंदर एट्रीब्यूट आ रहा है एचरएफ़ का ओके okay, और ये उसकी वैल्यू है। ये नेम एक, एक है और ये उसकी वैल्यू है फिर एक क्लास एट्रीब्यूट है ये उसका नेम है और ये उसकी वैल्यू है इसी तरीके से अगर हम इस पर्टिकुलर हेडिंग को या इंस्पेक्ट करेंगे तो हमें देखिएगा कि यहाँ पर एक एंकर लिंक है ये हमारा टैग है और इस ओपनिंग टैग के अंदर हमने क्या लिखा है एच रफ़ एक एट्रीब्यूट है ये उसका नाम है यह उसकी वैल्यू है क्लास एक नाम है और यह उसकी वैल्यू है अगर हम पी पेज पर आएँ तो ये एड टू बास्केट बटन है इस बटन के अंदर हमने बहुत सारे एट्रीब्यूट दिखे जैसे टाइप हुआ टाइप उसका नाम है सबमिट वैल्यू है नेम नेम है एड टू कार्ड वैल्यू है क्लास उसका नाम है और यह उसकी वैल्यू है सेम वे ये हमारे इनपुट फील्ड है इनपुट फील्ड में बहुत सारी एट्रीब्यूट टाइप है टाइप उसका टेक्स्ट है मतलब टाइप नेम है टेक्स्ट वैल्यू है क्लास नेम है इनपुट टेक्स्ट वैल्यू है नेम नेम है एट्रीब्यूट का बिलिंग फर्स्ट नेम वैल्यू है उसकी और आईडी जो है नेम है एट्रीब्यूट का और ये उसकी वैल्यू है तो इस तरीके से हम एट्रीब्यूट को लिखते हैं और एट्रीब्यूट हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर लिखे जाते हैं कभी भी क्लोजिंग टैग के अंदर नहीं लिखे जाते हैं यहाँ पर भी अगर देखो तो ये ए जो हमारा जो जो हमारा टैग है ये ओपनिंग टैग है इसके अंदर हमने एट्रीब्यूट लिखी है इस क्लोजिंग टैग के अंदर कोई भी एट्रीब्यूट नहीं लिखी है सेम वे बटन हमारा यहाँ पर है यहाँ पर इसका ओपनिंग टैग है और इस क्लोजिंग टैग के अंदर हमने कोई भी वैल्यू नहीं लिखी है कोई भी एट्रीब्यूट नहीं लिखी है ओके okay? अब अगर सिंटैक्स देखना है एट्रीब्यूट का तो हमने देखा है कि एट्रीब्यूट को हमेशा हम ओपनिंग एसटीएमल टैग के अंदर लिखते हैं तो so, जो सिंटेक्स होगा वो कुछ इस तरीके का होगा ये हमारा टैग नेम हुआ और ये एट्रीब्यूट नेम एट्रीब्यूट वैल्यू और ये सब होगा अब कैसे फाइंड आउट करते हैं एट्रीब्यूट तो हमें किसी भी वेब एलिमेंट को इंस्पेक्ट करना होता है और उसके बाद हम उसके एट्रीब्यूट पता कर सकते हैं ना टैग्स और एट्रीब्यूट्स की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या होती है सो so, टैग्स और इम्पोर्टेंस एक क्वेश्चन आता है कि हमें टैग्स या एट्रब्यूट्स के बारे में क्यों पढ़ना चाहिए तो उसका जो आंसर है वो ये है कि किसी भी एलिमेंट को लोकेट करने के लिए हमारे टेस्ट ऑटोमेशन में हमें टैक्स और एट्रीब्यूट्स पढ़ना चाहिए वी नीड टू नो अबाउट टैक्स एंड एट्रब्यूट्स कभी कभी क्या होता है जो कॉमन लोकेटर्स होते हैं जैसे कि आई डी क्लास नेम नेम ये काम नहीं करते हैं और इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू लोकेट एलिमेंट किसी भी एलिमेंट को लोकेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उस उन लोकेटर्स को यूज़ करके सो so, उस केस में हमें क्या यूज़ करना पड़ता है एक्सपाथ या सी एस एस सेलेक्टर यूज़ करना पड़ता है एलिमेंट्स को लोकेट करने के लिए और अगर हमें टैग्स और एट्रीब्यूट्स के बारे में पता हो तो हम इजीली एक्सपाथ और सी एस एस सेलेक्टर को लिख सकते हैं अब जो समरी ऑफ़ द सेशन है वो ये है कि हमने जो टॉपिक्स आज कवर किए हैं वो हैं वेब एलिमेंट टाइप ऑफ वेब एलिमेंट टैग्स टाइप ऑफ टैग्स टैक्स फॉर टैग एट्रीब्यूट्स टाइप ऑफ एट्रीब्यूटेक्स फॉर एट्रीब्यूट एंड देन Importance of tags and elements. So yes our topic. Thank you very much.